लगातार खबरों में हमारे साथ ताबुन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओबी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने शहरियों की सहूलत के लिए आइंदा साल से ई पासपोर्ट के अजरा का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से फरवरी 2019 में पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा मुस्तरद कर दिया। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपए खर्च करके पानी की टंकी तो बना दी गई, मगर अरसा दराज से इसे कनेक्शन ना दिया गया। बाहर से काले अंदर से सफेद सर्दियों को तोहफा सिंघाड़े विटामिन से भरपूर और सेहत के लिए बेहद मुफीद होते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात खवातीन के हवाले से अहम संग मील हासिल करते हुए सनफी तवाज़ुन के 9 अशारियों में सबसे पहले नंबर पर आ गया। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में लोगों को गाड़ी से कुचलने वाले शख्स से मुतालिक इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िम घर में झगड़ा करके निकला था और वाकई का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। भारत की बदनाम जमाना नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने श्रीनगर से इंसानी हकूक के अलमबरदार खुरम परवेज को गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बच्चों की भी COVID-19 की वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। फाइजर और बायो इनटेक वैक्सीन बच्चों को लगाए जाने के हवाले से एक नई तहकीक सामने आई है। अमेरिकी गुलकार निक जॉन्स ने अहलिया और बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से तलाक की अफवाहें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट शेयर कर दी है। मारूफ मोबाइल कंपनी हुआवे से राहें जुदा करने वाले ब्रांड ऑनर ने गुज़िश्ता साल जून में 50 सीरीज के 3 फोन्स मुतारिफ करवाए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान को ट्रॉफी ना देने के मामले पर बयान जारी कर दिया। कैलिफोर्निया में एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैरान को कपड़े मुतारिफ करवा दिए गए। इरविन का तैयार करदा लिबास हाथ मिलाने और ताली मारने के अमल में एक दूसरे से मालूमात का तबादला भी करता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
وفاقی حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے آئندہ سال سے ای پاسپورٹ کے اجرا کا فیصلہ کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا, جس میں سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین نادرا, ڈی جی پی پاسپورٹ اور ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے شریک ہوئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں آئندہ سال سے ای پاسپورٹ کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے. ای پاسپورٹ کے اجرا کو ایک اہم اقدام کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے, جو موجود مینول سسٹم میں تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آسانی سے آن لائن درخواستوں پر کاروائی کرنے میں مدد کرے گا. خیال رہے کہ مائکرو چپ کارڈ کے حامل اس پاسپورٹ میں درخواست گزار کی تمام تر تفصیلات محفوظ ہوں گی. چپ میں محفوظ مسافر کے کوائف اور سفری تفصیلات امیگریشن اور نادرا کے سسٹم سے لنک ہوں گی. اس کے محفوظ سیکورٹی فیچرز میں متعدد چیزیں شامل ہیں. ای پاسپورٹ کے مرکز صفحے پر پاسپورٹ ہولڈر کی ایک کی بجائے دو تصویر ہوں گی. پاسپورٹ کا مرکزی صفحہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈاٹ پر مشتمل ہوگا, اور نئے پاسپورٹ میں جال سازی اور مرکزی صفحے کی تبدیلی ناممکن بنائی گئی ہے. ای پاسپورٹ سے ایئرپورٹ پر دستاویزی سفری کاروائی انتہائی مختصر وقت میں مکمل ہوگی. ذرائع کا کہنا تھا کہ کم وقت میں بورڈنگ کارڈ, امیگریشن کی تکمیل سے تیاری تک تیز تر رسائی ممکن ہوگی. پاکستان نے بھارت کی جانب سے فروری 2019 میں پاکستان کا F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا F-16 طیارہ گرانے کا بھارتی دعویٰ بے بنیاد اور من گھڑت ہے. بھارتی پائلٹ کو اوارڈ دینا اپنی عوام کو خوش کرنا اور کف مٹانا ہے. ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی ماہرین اور امریکی حکام نے تصدیق کی تھی کہ اس دن کوئی F-16 طیارہ نہیں مار گرایا. بین الاقوامی امریکی ماہرین نے طیاروں کی تعداد کا جائزہ لے کر طیارہ نہ گرائے جانے کی تصدیق کی, لہذا بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا فوجی کنڈکٹ اور اقتدار کے منافی ہے, اور شکست خوردہ بھارتی پائلٹ کو اعزاز سے نوازنا خود اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس نے دو بھارتی جہازوں کو دن کی روشنی میں بہادری سے مار گرایا تھا. ایک بھارتی مک 21 طیارہ آزاد جموں و کشمیر کی حدود میں گرایا گیا تھا, اور تباہ شدہ بھارتی جہاز کے پائلٹ کو پاکستان نے پکڑ کر جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا, جبکہ بھارتی پائلٹ کو واپس بھیجوانا اس بات کا غماز ہے کہ پاکستان بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود امن کا خوان ہے. اوکاڑے ریلوے اسٹیشن پر لاکھوں روپے خرچ کر کے پانی کی ٹنکی تو بنا دی گئی, مگر عرصہ دراز سے اسے کنیکشن نہ دیا گیا, جبکہ پاس لگائی گئی ٹرائیول سے ریلوے کو زیادہ بل آتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیروتی سلمان حکمان سے اس رپورٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, او پی ٹی وی گلوبل کے ساتھ میں ہوں سلمان لقمان. میں اس ٹائم موجود ہوں اوکاڑا ریلوے اسٹیشن پر. اگر بات کی جائے انتظامات کے حوالے سے, تو یہاں پر کافی عرصہ پہلے جب یہاں جو صوبائی وزیر تھے, وفاقی وزیر پہلے کے یہاں پر تھے, ان کی جانب سے یہ جو ریلوے اسٹیشن اوکاڑا کو ماڈل بنا دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ٹینکی تھی اس کی جگہ چینج کر کر اس کو جو ہے اسٹیشن کے بالکل سائڈ پہ پلیٹ فارم کے ساتھ نصب کیا گیا. یہ ٹینکی بھی کیمرہ مین دکھا رہا ہوگا, نظر آ رہی ہے آپ کو, لیکن یہ کہ اس کے اندر ابھی تک کافی عرصہ سے جو ہے کنیکشن نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے ریلوے کالونیز اور دیگر جو یہاں کے انتظامیہ کے کوارٹرز وغیرہ, ان کو مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے اوپر کافی زیادہ, یہ دیکھ سکتے ہیں جو پلر بنائے گئے تھے, یہ تقریباً 9 کے قریب جو پلر بنائے گئے ہیں یہاں پر, اس کے اوپر کافی خرچہ آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف کیمرہ مین دکھا رہا ہوگا کہ یہ ٹربائن چلتی رہتی ہے سارا دن, اس کی وجہ سے جو ہے باقاعدہ سے جو ریلوے کے جو ہے بل زیادہ بڑھ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریلوے کو خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ انتظامیہ کی جانب سے جو یہ ٹینکی ہے اس کو ابھی تک کنیکشن نہیں دیا گیا. اگر اس چیز کو کنیکشن دے دیا جائے گا تو ایک تو ٹربائن کم چلے گی, ٹینکی میں پانی سیو ہو جائے گا, اور لوگوں کی مشکلات میں بھی کمی آ جائے گی. لیکن یہ کہ انتظامیہ کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی, اور اس طرف جو ہے انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں ہے, جبکہ مسافروں نے بھی شکایات کی ہیں کہ یہ ٹینکی کا کنیکشن کروا دیا جائے, کیونکہ قریبی جو کوارٹرز اور کالونیز ہیں ان کو بھی پانی میں مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹ پائپ لائن جو ڈالی گئی ہے یہاں پر ٹربائن کی وجہ سے, جب پانی کا پریشر تیز ہوتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ گھروں کے جو پائپ ہیں وہ لیکیج کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پانی کا ضیاع ہوتا ہے اور کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اوکاڑا ریلوے اسٹیشن پر یہ بنایا گیا جو ٹینکی ہے اس کے اندر ابھی تک جو کوئی پائپ کا کنیکشن نہیں دیا گیا. اس کے اوپر جو ہے خرچہ تو کر دیا گیا تھا ریلوے انتظامیہ کی افسران کی جانب سے, لیکن یہ کہ ابھی تک اس کو کنیکشن نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دے تاکہ مشکلات میں کمی آ سکے. کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان, او پی ٹی وی گلوبل, اوکاڑا. باہر سے کالے اندر سے سفید, سردیوں کا تحفہ سنگھاڑے وائٹمن ای سے بھرپور اور صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں. قصور میں سنگھاڑوں کے جگہ جگہ پر اسٹال سج گئے ہیں جہاں سے شہری سنگھاڑے خرید رہے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیروتی سلمان لقمان کی اس رپورٹ میں. باہر سے کالے اور اندر سے گورے سنگھاڑے سردیوں میں ایک مفید پھل ہے. سنگھاڑے کھڑے پانی میں کاشت کیے جاتے ہیں, ان کو پانی کے اندر گھس کر نکالنا پڑتا ہے. قصور کے شہری سنگھاڑوں کو شوق سے کھاتے ہیں. سنگھاڑے انسانی جسم کے لیے مفید اور وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں. سردی کی آمد کے ساتھ ہی جگہ جگہ پر قصور میں سنگھاڑوں کے سٹال سج گئے ہیں. موسم میں سنگھاڑوں کا سردیوں کی شروعات ہے, ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں, خود بھی کھائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے.
ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सर्दी की स्वाद जनाब सिंघाड़े बहुत अच्छे ने, सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसमें विटामिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैदे के लिए भी अच्छे हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, हम खुद भी पसंद करते हैं, इसलिए बच्चे को लिए लेने के लिए आए हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए। ये हम सिंघाड़े बेचते हैं, ये वाली चीज़ है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है, हमारे पास ये हमारे बोरियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। शहरियों का कहना है कि सिंघाड़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसका जायका भी सबको भाता है। सिंघाड़ों को उबालकर नमक लगाकर खाया जाता है। नजर डालते हैं आगे मंजरनामे पर। मुत्तहिदा अरब अमीरात खवातीन के हवाले से अहम संगे मील हासिल करते हुए सिनफी तवाजुन के 9 अशारियों में पहले नंबर पर आ गया। वफाकी मुसाबकती और शुमारियाती मरकज FCSC ने ऐलान किया है कि पायदार तरक्की के हदफ 2021 के हदफ 5 में हासिल होने वाली पेशरफ में UAE सिनफी तवाजुन के 9 अशारियों में पहले नंबर पर आ गया है, जो कि अमीरात में सिनफी तवाजुन का वाज़ह सबूत है। UAE ने सनफी अदम मसावत को तेज़ी से कम किया है। इस हवाले से भी इसने अक्वामे मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के इंडेक्स में गुज़िश्ता बरस 8 दर्जे बेहतरी हासिल कर ली है। हुकाम के मुताबिक UAE ने सनफी अदम मसावत को ख़त्म करने के लिए कई सतह पर बड़े इकदाम किए। पार्लियामेंट में खवातीन को नुमाइंदगी दी काम की जगह पर, जिनसे उस सनफी इम्तियाज़ को ख़त्म किया। हिरासानी के खिलाफ कवानीन बनाए, बच्चे की पैदाइश पर माँ के साथ साथ वालिद के लिए भी छुट्टी का कानून मुतारिफ कराया गया है। हुकाम का कहना है कि इन इकदाम के अलावा घरेलू तशद्दुद के खिलाफ भी कानून की गई है। हामला खवातीन को काम से निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। अब खवातीन भी मर्दों की तरह बाख्तियार होकर कारोबार कर सकती हैं। इन इकदाम की वजह से UAE आलमी सतह पर 9 अशारिया में पहले नंबर पर आ गया है। वाज़ह है कि 2019 में सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल निहाल ने FNC में खवातीन की नुमाइंदगी को 50% तक बढ़ाने के लिए करारदाद नंबर 1 जारी की थी। FNC को एक मजबूत मॉडल समझा जाता है, जिसने अपने सनफी तवाज़ुन के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात की सनफी तवाज़ुन कौंसिल ने जेंडर बैलेंस गाइडलाइन भी शाया किए हैं, जो काम की जगहों पर सनफी तवाज़ुन की हिमायत करने के लिए दुनिया में अपनी नौयत की पहली अशात है, जो सनफी फर्क को खत्म करने, मुत्तहिदा अरब अमीरात के विजन 2021 की हिमायत और पायदार तरक्की के अहदाफ 2030 के हुसूल में सरकारी और निजी शोबे के हुकाम के लिए एक अहम हवाले के तौर पर नुमाइंदगी करती है। एक नज़र कम्यूनिटी न्यूज पर। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन में लोगों को गाड़ी से कुचलने वाले शख्स से मुतालिक इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़िम घर में झगड़ा करके निकला था और वाकये का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में पहले दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने दावा किया था कि विस्कॉन्सिन में लोगों को गाड़ी से कुचलने वाला सियाह फार्म है और इसने कार्ली रेड्स हाउस को बरी किए जाने के रद्दअमल में सफेद फार्म लोगों को कुचलकर हलाक किया है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने शवाहिद देखने के बाद ही ट्वीट कर दी थी कि लोगों को कुचलने वाला शख्स दहशतगर्द है। पुलिस की जानिब से वाकये को दहशतगर्दी करार नहीं दिया गया है और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम डेल एडवर्ड को तहकीकात में मजीद इल्जाम का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस के मुताबिक वाकये में 52 से 81 साल तक के अफराद हलाक हुए, जबकि जख्मियों में स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वाज़ह है कि रियासत विस्कॉन्सिन में पेश आने वाले वाकये में 5 अफराद हलाक और 40 अफराद जख्मी हुए हैं। भारत की बदनाम जमाना नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने श्रीनगर से इंसानी हकूक के अलमबरदार खुरम परवेज को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक NIA ने भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों के हमरा खुरम परवेज की रिहाइशगाह और दफ्तर पर छापे मारे और तलाशी ली। KMS के मुताबिक खुरम परवेज से पहले NIA के दफ्तर में पूछगछ की गई और बाद अज़ां इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। NIA ने गिरफ्तारी के दौरान खुरम परवेज से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ किताबें भी जब्त कर ली हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पर पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा, जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये तक ना हो जाए। इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 9 रुपये 62 पैसे फी लीटर है। ऐसे में वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने भी आवाम पर बिजली गिरा दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चंद माह में बिजली की बुनियादी कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। उनका कहना था कि सख्त हालात में पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मसाइल हैं। दुनिया में महंगाई 30 साल बुलंद तरीन सतह पर है। अब हम 200 यूनिट की नई तशरी कर रहे हैं। अब 200 यूनिट वो होगा जो 6 माह से ज़्यादा इसी यूनिट में रहेगा। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन का कहना था कि IMF से मुज़ाकरात में हम अपने मौके पर खड़े रहे। पेट्रोलियम लेवी 10 अरब रुपए करने का कहा था, वो तो हम नहीं कर सकेंगे। पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपए बढ़ानी है और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए तक लेकर जानी है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें।
दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बच्चों को भी कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन बच्चों को लगाए जाने के हवाले से एक नई तहकीक हुई है। बैनुल अक्वामी वेबसाइट के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक ने कहा है कि इनकी तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को बीमारी से तवील उम्र तहफ्फुज़ फराहम करती है। कंपनियों की जानिब से नया डाटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी खुराक इस्तेमाल के 4 माह बाद भी 1000% तहफ्फुज़ हासिल था। इस तहकीक में 12 से 15 साल की उम्र के 2228 बच्चों को शामिल किया गया था और कंपनी की जानिब से इस डाटा के जरिए इस उम्र के ग्रुप के लिए वैक्सीन की मुकम्मल मंजूरी हासिल करने की दरख्वास्तें अमरीका और दुनिया के दीगर हिस्सों में जमा कराई जाएगी। तहकीक में बताया गया है कि दूसरी खुराक इस्तेमाल के कम अज़ कम 6 माह बाद भी इन बच्चों में तहफ्फुज़ की संजीदा तहफ्फुज़ात का मुशाहदा नहीं हो सका। फाइजर के CEO एल्बर्ट बोर्ला ने एक बयान में बताया था कि इस वक्त जब दुनिया भर में वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये इजाफी डाटा बच्चों में हमारी वैक्सीन की महफूज और मॉस्टर के हवाले से एतमाद को बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ खितों में इस उम्र के बच्चों में कोविड-19 की शरह में इजाफे को देखा गया है, जबकि वैक्सीनेशन सुस्त रवि से आगे बढ़ रही है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अमेरिकी गुलकार निक जॉनसन एहलिया और बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा से तलाक की अफवाहें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पहली पोस्ट शेयर की है। सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम ऐप पर निक जॉन्स की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें उन्हें वर्कआउट करते हुए देखा जा सकता है। निक जॉन्स ने अपनी वर्जिश की वीडियो पोस्ट में कैप्शन दर्ज करते हुए लिखा कि आइए पीर की मोटिवेशन हासिल करें। बाद अज़ां निक जॉन्स की पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने भी कमेंट किया और शोहर से मोहब्बत का इजहार किया। ख्याल रहे कि प्रियंका चोपड़ा की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नाम तब्दील किए जाने के बाद से कयास आरियां की जा रही है कि इनकी निक जॉन्स से अलहदगी हो गई है। बाद अज़ां इस हवाले से प्रियंका की वालिदा मधु ने प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स के दरमियान तलाक की अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी थी और तंबीह करते हुए कहा था कि ये सब बकवास है, ऐसी अफवाहें मत फैलाएं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मारूफ मोबाइल कंपनी हुआवे से राह जुदा करने वाले ब्रांड ऑनर ने गुज़िश्ता साल जून में 50 सीरीज के 3 फोन्स मुतारिफ कराए थे, जिन्हें अक्टूबर में पेश किया गया था। ये ऑनर के तवील अरसे बाद आलमी सतह पर ग्लोबल मोबाइल सर्विस रिपोर्ट से लेस अवलिन फोन्स थे। अब कंपनी अपडेट मॉडल्स ऑनर 60 सीरीज की शक्ल में मुतारफ कराने के लिए तैयार है। कंपनी की जानिब से ऐलान किया गया है कि ऑनर 60 सीरीज को 1 दिसंबर को पेश किया जा रहा है। कंपनी की जानिब से सीरीज का एक वीडियो टीजर भी जारी किया गया है, जिसमें फोन्स के डिजाइन की झलक पेश की गई है, जिसमें डिजाइन काफी मुनफरद महसूस नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनर 60 सीरीज 3 फोन्स पर मुश्तमिल होगी, जिनमें ऑनर 60 प्रो और 60 SE मॉडल शामिल होंगे। ऑनर 60 प्रो में स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, जबकि 4500 mAh बैटरी, 100 वॉट या उससे भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जाएगी। इसके मुकाबले में ऑनर 60 में बैटरी के साथ 66 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगी, जबकि SE मॉडल में 40 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान को ट्रॉफी न देने के मामले पर बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज में फतह हासिल करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रॉफी न मिलने पर हैरान थे और इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी कयास तना की जा रही थी कि ताहम अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस पर बाज़ाब्ता टीम मैनेजमेंट को आगाह किया गया है। तर्जुमान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि T20 की ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के अख्ताम पर देंगे, क्योंकि T20 सीरीज की फतह ट्रॉफी बांग्लादेशी बोर्ड के सरबरा ने देनी है, जो अभी दस्तियाब नहीं है। तर्जुमान BCB राबित इमाम का कहना था कि बांग्लादेश बोर्ड और स्पॉन्सर इदारे के अफराद के बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं है, लिहाजा कोरोना पाबंदियों के सबब T20 ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम को नहीं दी, इसलिए दोनों ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के अख्तिताम पर ही दी जाएंगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को क्लीन स्वैप किया और आखिरी मैच में इंतहाई दिलचस्प मुकाबले की कामयाबी हासिल की। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। कैलिफोर्निया में एक दूसरे से बातचीत करने वाले हैरान कुन कपड़े मुतारिफ करा दिए गए हैं। इर्दन का तैयार करदा लिबास हाथ मिलाने और ताली मारने के अमल में एक दूसरे से मालूमात का तबादला भी करता है। इस बात उन्हीं कपड़े का कारनामा पीटर सिंह और आमिर हुसैनी आगा जानी ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया है। ये मेटा मटीरियल से बना है और वायरलेस की बदौलत मालूमात और डेटा का तबादला करता है।
इस लिबास को अस्पताल में मरीजों को पहनाकर इनमें कई तरह के सेंसर लगाए जा सकते हैं और डॉक्टर इनसे मुसलसल तिब्बी डेटा ले सकते हैं। दो अजनबी दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे के कारोबार और मालूमात का तबादला कर सकते हैं। इस तरह लिबास से कार खोलना और घर का ताला बंद करने का काम भी आसान हो जाएगा। आमिर के मुताबिक इनका लिबास तजारती बुनियादों पर तैयार करना बहुत आसान है और इसे कम खर्च मगर आला फैशन और डिजाइन से और डिजाइन के कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमरीका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा जेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।